ओशो के विचार शास्त्र पर एक युवक समुद्र के किनारे घूमने गया था। बहुत सुंदर, बहुत शीतल, बहुत ताजगी देने वाली हवाएं उसे वहाँ मिली। वह एक युवती को प्रेम करता था जो दूर किसी अस्पताल में बीमार थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर हवाएं, इतनी ताज़ी हवाएं, क्यों ना मैं अपनी प्रेयसी को भेज दूँ। उसने एक बहुमूल्य पेटी में उन हवाओं को बंद किया और पार्सल से अपनी प्रेयसी के लिए भिजवा दिया। साथ में एक प्यारा पत्र भी लिखा और बहुत शीतल, बहुत सुगंधित, बहुत ताज़ी हवाएं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम बहुत आनंदित होगी। पर पत्र तो मिल गया लेकिन हवाएं नहीं मिली। पेटी खोली तो कुछ भी नहीं था। वह युवती बहुत हैरान हुई। इतनी बहुमूल्य पेटी में भेजा था उसने सब कुछ, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। युवती बहुत हैरान हुई। इतनी बहुमूल्य पेटी में भेजा था उसने उन हवाओं को इतने प्रेम से। पत्र तो मिल गया, पेटी भी मिल गई, लेकिन हवाएं नहीं मिली। समुद्र की हवाओं को पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। चांद की चांदनी को पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। प्रेम को कभी पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन परमात्मा की वो पेटियाँ हमारे पास तक आती रही हैं। पेटियाँ मिल जाती हैं, बड़ी खूबसूरत पेटियाँ हैं। साथ में लिखे गए पत्र भी मिल जाते हैं, गीता के, कुरान के, बाइबल के। लेकिन पेटी खोलने पर सत्य नहीं मिलता। जो ताज़ी हवाएं उन लोगों ने जानी होंगी जिन्होंने प्रेम पत्र हम तक भेजे होंगे। समुद्र की ताज़ी हवाओं को जानना है तो समुद्र के किनारे ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा उन हवाओं को आपके पास नहीं पहुंचा सकता। आपको खुद ही समुद्र तक यात्रा करनी होगी। सत्य की ताज़ी हवाएं भी कोई नहीं पहुंचा सकता। सत्य तक भी हम स्वयं ही यात्रा करनी होती है। इस पहली बात को बहुत स्मरण पूर्वक ध्यान में ले जाना जरूरी है। इस बात को ध्यान में लेते ही शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे, परंपराओं से भेजी गई खबरें हंस